प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। सातवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज मनाया जा रहा है। कोरोना संकट के बीच इस बार कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं हो रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली ही लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, आज जब पूरा विश्व कोरोना महामारी का मुकाबला कर रहा है तो योग उम्मीद की एक किरण बना हुआ है। दो वर्ष से दुनिया भर के देशों में और भारत में भले ही बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ हो, लेकिन योग दिवस के प्रति उत्साह कम नहीं हुआ है। आज जब पूरा विश्व कोरोना महामारी का मुकाबला कर रहा है तो योग उम्मीद की एक किरण बना हुआ है। लगातार भारत में कोरोना महामारी इस वक्त फैली हुई है, जिसकी वजह से कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा रहे हैं। कोरोना के बावजूद इस बार के योग दिवस की थीम योगा और वेलनेस ने करोड़ों लोगों में योगा के प्रति उत्साह को और भी बढ़ाया। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया है। आपको बता दें कि आज सातवां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जा रहा है, जिसकी शुभकामनाएं देने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से लोगों को संबोधित किया, जहां उन्होंने योगा और योगा से होने वाले फायदों के बारे में लोगों को जानकारी दी। आपको बता दें कि उन्होंने लोगों से अपील की है कि इस मुश्किल वक्त में जरूरी है कि हम अपना मानसिक रूप से ध्यान रखें। ऐसे में जरूरी है कि हम योगा का पालन करें। योगा हमारे शारीरिक जीवन के साथ साथ मानसिक रूप से भी हमें फायदा देता है। ऐसे में जरूरी है कि हम योगा को अपनाएं और आध्यात्म की प्राप्ति करें। साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोगों के बीच उत्साह बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना के बीच योगा एक आशा की किरण बनकर सामने आ सकता है। अगर हम लोग योगा को अपनाएंगे तो हमारे जीवन में मानसिक रूप से बेहद ही बदलाव देखने को मिलेंगे। हमारा मन शांत होगा और हम आध्यात्म को प्राप्त कर सकेंगे। ऐसे में जरूरी है कि हम योगा को अपनाएं और कोरोना जैसी महामारी का जमकर सामना करें। आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कई अहम बातें कही। आपको बता दें कि पीएम मोदी के अहम बातों में योगा का महत्व शामिल था, जहां उन्होंने योगा के महत्व में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने लोगों को बताया कि योगा किस प्रकार से लोगों के जीवन में अलग अलग रूप से प्रभाव डालता है। साथ ही उन्होंने योगा के इतिहास के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से भारत से ही योगा की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद आज पूरा देश योगा को अपना रहा है और योगा को पसंद कर रहा है। वहीं उन्होंने एम योगा ऐप के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने लोगों को बताया कि बहुत जल्द ही देशवासियों को एम योगा ऐप दिया जाएगा। इस सौगात से लोगों में योगा के प्रति जितनी भी जागरूकता है उसको पालन किया जाएगा। आपको बता दें कि एम योगा ऐप के जरिए लोगों को वीडियोज प्रोवाइड कराए जाएंगे, साथ ही लोगों को योगा से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन था देशवासियों के लिए, जिसमें सातवें अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर लोगों को बधाई दी गई और लोगों से अपील की गई कि इस कोरोना काल में वह घर पर रहें, सुरक्षित रहें और योगा का पालन करें। आपको बता दें कि 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का शुरुआत की गई थी। यह दिवस 21 जून को हर साल धूमधाम के साथ मनाया जाता था। बात करें पहले योगा दिवस की, तो पहले योगा दिवस को दिल्ली में बहुत ही भव्यता के साथ मनाया गया था, जिसमें राजपथ पर 35,000 लोगों ने एक साथ जुटकर योगा किया था। उसके बाद से लगातार 2016, 17, 18 में और 19 में लगातार इसके भव्य आयोजन किए गए। वहीं कोरोना महामारी के चलते पिछले वर्ष यानी 2020 और इस वर्ष यानी 2021 में कार्यक्रम आयोजित नहीं किए गए हैं। जिस प्रकार से वृहद कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे, उन्हें इन दो सालों में आयोजित नहीं किया गया है। आपको बता दें कि लगातार आज योगा दिवस की बधाइयां दी जा रही हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को आज आकर संबोधित किया। आपको बता दें प्रधानमंत्री का यह संबोधन दिल्ली से था, जहां से वो लोगों को संबोधित कर रहे थे। वहीं उन्होंने योगा से जुड़ी कई विशेष बातों पर भी लोगों का ध्यान आकर्षित किया।
वहीं हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अभिषेक, जिस प्रकार से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हम सभी ने सुना, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई बड़ी बातें भी हमने जानी, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि किन अहम बिंदुओं पर आज प्रधानमंत्री ने चर्चा की है। बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहेंगे कि इस बार का जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, एक खास ढंग से मनाया गया। एक इसकी नई थीम थी, योग के साथ रहें, घर पर रहें। वहीं अगर बात करें कि सातवां योग दिवस है, जो 2014 में प्रधानमंत्री ने इसके लिए संबोधन, पहला संबोधन दिया था अपना, तो 193 देश वहां मौजूद थे, जिसमें 177 देशों ने योग दिवस को प्रस्ताव को अपनी मुहर लगाई थी। और 2015 में जब पहली बार का कहते हैं योग दिवस मनाया गया था, तो उसमें करीब 88 देशों के लोग थे, जिसमें 35,000 लोगों ने क्या कहते हैं योग किया था। तो कहीं ना कहीं योग का परचम पूरे देश में लहराया। वहीं इस बार कोविड को लेकर प्रधानमंत्री ने जो चीज साफ की है कि योग करने से मन अच्छा रहता है, साथ साथ तन अच्छा रहता है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा पैगाम है। और एक योग को लेकर पूरी दुनिया में जिस तरह से कोरोना के समय में एक महत्ता मिली, तो ये अपने आप प्रधानमंत्री मोदी की देन है। जी, प्रकार से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को संबोधित किया है, जहां उन्होंने बोला है कि जरूरी है कि इस मुश्किल वक्त में योगा को अपनाया जाए। ऐसे में कोरोना काल में योगा को लेकर क्या कुछ अहम उन्होंने जानकारियां दी है? देखिए बिल्कुल, कोरोना को लेकर, योगा को लेकर उन्होंने तमाम जानकारियां ऐसी दी कि योग के साथ रहने से, योग हमारे ऋषियों मुनियों का दिया हुआ एक वरदान है, जिसको लेकर योग कोरोना में अपने ही देश नहीं बल्कि विदेशों तक इसका महत्व तक जाना जा। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी ये समझाना चाहते कि योग करना हमारे शरीर के लिए, हमारे मन के लिए और हमारे देश के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सब चीजों के लिए योग का एक अपना महत्वपूर्ण वो है। जी अभिषेक, जिस तरह से देखा गया है कि कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में सभी कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है और सभी कार्यक्रमों को वर्चुअली मनाए जाने की बात कही गई है। ऐसे में वर्चुअल तरीके से किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे? उत्तर प्रदेश में तमाम बीजेपी ने अपने शिविर कार्यालयों में क्या कहते हैं कैंप करवाए हैं योग को लेके। कानून मंत्री विजय पाठक की बात करें तो कम्युनिटी सेंटर लखनऊ में उन्होंने अपने योग किया, और तमाम ऐसे क्या कहते हैं केंद्र बनाए गए, और इस तरह से जो वहाँ पे वर्चुअल हो सकता है वहाँ पे तमाम कार्यक्रमों का भी किया गया ऑनलाइन। तो ऐसे में योग को घर पर रहें और क्या कहते हैं योग करें, तो इस थीम पे जो है कहीं ना कहीं एक पैगाम भी जा रहा है कि कोरोना के समय में भी योग को लेकर जो एक लोगों में दिलचस्पी देखने को मिली, तो एक अच्छा पैगाम है। जी बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आज सातवां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जा रहा है, जिसकी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को संबोधित किया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अहम बातें की, जिसमें उन्होंने लोगों को योगा से जुड़ने की अपील की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि योगा हमारे जीवन में बहुआयामी तरीके से प्रभाव डालता है, ऐसे में ज़रूरी है कि सभी लोग योगा को अपनाएं। योगा आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायक है, शारीरिक रूप के साथ साथ यह मानसिक रूप से भी आपको स्वस्थ बनाता है। ऐसे में ज़रूरी है कि हम सभी को योगा का पालन करना चाहिए और योगा को लोगों के बीच पहुँचाना चाहिए। साथ ही उन्होंने लोगों से ये भी अपील की है कि इस वक्त कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में ज़रूरी है कि सभी लोग घर पर रहे, स्वस्थ रहे और योगा का अनुसरण करें, क्योंकि देखा गया है कि बीते साल और इस साल जिस प्रकार से कोरोना महामारी ने हमारे देश पर प्रभाव छोड़ा है, ऐसे में देखा गया है कि लोग मानसिक रूप से काफ़ी परेशान हो गए थे। इसलिए ज़रूरी है कि हम सभी लोग योगा को अपनाएँ और योगा को अपने जीवन में फॉलो करें। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस साल 2000, आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस इस साल 21 जून को मनाया जा रहा है। ये दिन का साल का सबसे बड़ा दिन है। पहली बार यह दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया, जिसकी पहल भारत के प्रधानमंत्री ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण से की थी, जिसके बाद 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया। 11 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के 177 सदस्यों द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। प्रधानमंत्री मोदी के इस प्रस्ताव को 90 दिन के अंदर पूर्ण बहुमत से पारित किया गया। वहीं हमारे साथ हमारे संवाददाता शहबाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो शहबाज, जिस प्रकार से आज सातवां संस्करण मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का, ऐसे में मैं आपसे जानना चाहती हूं कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की शुरुआत किस प्रकार से हुई?
देखिए बताना चाहूंगा आपको कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार सत्ता में आए और जब प्रधानमंत्री पहली बार बने उन्होंने शपथ ली, तो तभी से उसी 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 साल उन्होंने इस योगा दिवस की शुरुआत कर दी थी। वो शुरुआत से ही योग को बढ़ावा देने के लिए लगातार कार्यरत दिखाई दे रहे थे और इसको बढ़ाने के लिए हमेशा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करें योग रहें निरोग वाला जो नारा था वो दिया हमेशा से। और उसके बाद जैसे ही इनकी गवर्नमेंट बनी, जैसे इन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, उसके बाद उन्होंने मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जाके प्रस्ताव रखा, तब संयुक्त राज्य अमेरिका के सामने इसको जो मंजूरी मिली थी, और 11 दिसंबर 2014 को बताना चाहूंगा कि संयुक्त राष्ट्र सभा के सामने 177 सदस्यों द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस जो है वो उसकी मंजूरी मिल गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो प्रस्ताव था वो संयुक्त राष्ट्र महासभा के सामने रखा था और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी लोगों ने इस पर विचार विमर्श करके काफी गहनता से विचार किया गया, जिस पर ये लगा कि हाँ योग जो है वो काफी निरोग को बढ़ावा देता है और हमेशा आदमी स्वस्थ रह सकता है। तो इस वजह से इसके हर देश जो है इस पर जो है सहमत हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस विचार से, और उसके बाद जो है वो तभी से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो मनाया जाने लगा। और इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है, आपको बताना चाहूंगा कि ये जो दिन होता है ये वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और ये माना जाता है कि योग करके भी मनुष्य अपनी जिंदगी को जो है वो अपनी ज्यादा ज्यादा जी सकता है, क्योंकि योग करके आप निरोग रह सकते हैं। तो जिससे इस थीम पर जो है वो आगे बढ़ा और नरेंद्र मोदी ने इसको तवज्जो दी योगा को, और बीजेपी के जितने भी जितने लोग जितने मंत्री हैं वो आज के दिन जो है वो योगा करते हैं, पीएम मोदी की इस मुहिम में शामिल होते हैं, बढ़ चढ़कर केंद्रीय मंत्री हो जाएं और चाहे खेल मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, जितने भी बड़े बड़े मिनिस्टर हैं वो इस मुहिम में प्रधानमंत्री मोदी का बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर साथ देते आए हैं। जब इसकी शुरुआत हुई थी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब साल 2015 में जब ये मनाया गया पहली बार और ये राजपथ पे इसका जब आयोजन किया गया, तो ऐसा लगा कि गणतंत्र दिवस की जो एक झांकी निकलती है उस तरह का इतना एक भव्य कार्यक्रम रखा गया। उस कार्यक्रम में मैं ये बताऊंगा आपको कि उस कार्यक्रम के दिन जब ये कार्यक्रम हुआ तो करीब 36,000 से ज्यादा लोग इसमें हिस्सा लिया था। तो कहीं ना कहीं ये उस वक्त ये रिकॉर्ड बना और गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसका नाम भी दर्ज हुआ। तो कहीं ना कहीं तब से आज तक जो है वो सब कुछ चला आ रहा है, तो ये तब से योगा दिवस जो है काफी बढ़ चढ़ कर जो बीजेपी द्वारा ये मनाया जाता है। शहबाज, आपने बताया कि भव्यता के साथ इसका आयोजन किया जाता है, ऐसे में इस साल कोरोना काल के चलते सभी कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया गया है, वर्चुअल तरीके से कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं, ऐसे में सुबह से क्या कुछ कार्यक्रम आपको देखने को मिले हैं? जी, जैसे कि पिछले साल से ही कोरोना काल का जो साया है वो इस योग दिवस पे, या यूं कहें जितने भी इस तरह के दिवस आए उस पर दिखा। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल भी जैसे ये लोगों से आह्वान किया था कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और घर से ही योग करें, और आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए तो उन्होंने यही कहा कि आप लोग घरों पर रहें, सुरक्षित रहें और योग करते रहें। क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि आज की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं बीजेपी के, वो अपने अपने घर पे या फिर बीजेपी कार्यालय में वो योगा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बकायदा उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, सब लोग मास्क लगाए हुए दिखाई दे रहे हैं, या जो नेता मंत्री नहीं कर पा रहे हैं वो लोगों से ये आह्वान कर रहे हैं कि आज के दिन योगा करें और हमेशा इसको अपनी जीवन शैली में उतार लें, ताकि आपके शरीर में जो होने वाली तमाम दिक्कतें हैं उनसे आप दूर रह सकते हैं, क्योंकि योगा जो है वो आपको निरोग रहने में बहुत काफी मदद करता है। बहुत बहुत धन्यवाद शहबाज आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि हमारे संवाददाता शहबाज हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के इतिहास के बारे में हमें विस्तार से जानकारी दे रहे थे, जहां उन्होंने बताया कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर इस दिवस को आयोजित किया जाने की मांग रखी गई थी। आईटीबीपी के जवान लद्दाख के पेंगोंग झील के पास योगा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें देखकर मन का हौसला और भी बढ़ जाता है। जहां ठंड से लोग सिहर उठते हैं, तो वहीं आईटीबीपी के जवानों का यह हौसला देखकर मन प्रसन्न और जोश से भर जाता है।
उत्तर प्रदेश सरकार में कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने लखनऊ स्थित खुद के द्वारा संचालित कम्युनिटी सेंटर में योगा किया। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये बीजेपी नेता भी आज योग दिवस में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में योगी का मंत्रिमंडल भी कहीं पीछे दिखाई नहीं दे रहा है। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक की तस्वीरें आप देख रहे हैं, वो अपने लखनऊ स्थित कम्युनिटी किचन में योगा करते हुए दिखाई दिए हैं। वही इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक मणि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अभिषेक, जिस प्रकार से आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का विश्व भर में आयोजन किया जा रहा है, ऐसे में उत्तर प्रदेश में क्या कुछ अहम कार्यक्रम देखने को मिल रहे हैं? योग दिवस अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस बार जो है बड़े ही अलग पैमाने पर मनाया जा रहा है। इसकी एक नई थीम है कि योग करें और घर पर रहें, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर के बाद से कहीं ना कहीं बड़ी समस्या आई, जिसको लेके अब इस बार ज्यादातर कार्यक्रम जो है वर्चुअल कराए जा रहे हैं। वहीं प्रदेश की बात करें तो तमाम मंत्री हैं जो आप ब्रजेश पाठक कानून मंत्री कम्युनिटी किचन में योग किए, तो तमाम ऐसे मंत्री हैं जो अपने घर से और वर्चुअल उसके माध्यम से योग किए और योग और प्रदेश के नाम से संदेश दिए ताकि योग में ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ के लोग भाग लें। और एक योग का जो क्या कहते हैं मन को और तन को संतुष्ट रखने का थीम है जो वो प्रदेश की जनता या चाहे देश की जनता या विश्व पटल पे लोग जाने। जी जी तो अभिषेक, जिस प्रकार से देखा गया है कि कानून मंत्री आज कम्युनिटी सेंटर में योगा करते हुए दिखाई गए हैं, ऐसे बीजेपी भी आज शिविर का आयोजन करने वाली है, ऐसे में बीजेपी की तरफ से और क्या कुछ कार्यक्रम आगे देखने को मिल सकते हैं? जी, तमाम ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जिसमें पेंटिंग प्रतियोगिता और तमाम ऐसी प्रतियोगिता भी रखी गई है कि लोग बढ़ चढ़ के इसमें आए। और सबसे बड़ी चीज ये है कि तमाम मंत्री मौजूद रहेंगे, तमाम क्या कहते हैं क्षेत्र अधिकारी रहेंगे, जो इसको लेकर एक संदेश देना है कि योग का जो महत्व है। जैसे कि सुबह प्रधानमंत्री ने संबोधन में बोला कि योग करने से तन स्वस्थ और मन स्वस्थ, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोरोना के समय में योग की जो मान्यता मिली, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि योग हमारे देश का योग जो है देश विदेश में अपना परचम लहराता है। जी जी अभिषेक, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ खबरों में। तो इस वक्त हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आज लखनऊ में भी योग दिवस का भव्यता से आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि कानून मंत्री इस वक्त कम्युनिटी सेंटर में मौजूद है, जहां पर वह लोगों के साथ योगा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम आपको साफ तौर पर तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर कानून मंत्री ब्रजेश पाठक योगा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वह योगा मुद्रा में तस्वीरों में साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस यानी आज ही के दिन देश में 18 साल से ऊपर के हर नागरिक को मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन लगेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में मुफ्त टीकाकरण का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि 21 जून से 18 साल से ज्यादा उम्र वाले हर व्यक्ति को सरकार निःशुल्क टीका लगाएगी। नई वैक्सीनेशन पॉलिसी में 18 से 44 वर्ष के लोग सीधे वैक्सीनेशन सेंटर में जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। पहले 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए कोविन पोर्टल से अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत होती थी, लेकिन नई पॉलिसी के मुताबिक केंद्र और राज्य सरकारों के जरिए 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी। इस महावैक्सीनेशन अभियान का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी और राज्यों को इसका कोई भी खर्च नहीं करना होगा। हालांकि निजी अस्पतालों में वैक्सीन लगवाने के लिए कीमत चुकानी होगी। तो आज योगा दिवस के मौके पर मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव का भी आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आज से सभी राज्यों में मुफ्त टीकाकरण की सुविधा को उपलब्ध कराया जा रहा है। आपको बता दें कि 18 वर्ष से 44 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को आज से मुफ्त में टीका लगाया जाएगा। बता दें कि इससे पहले 18 वर्ष से ऊपर आयु के लोगों को कोविन ऐप पोर्टल पर जाकर अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था, जिसके बाद वैक्सीनेशन का कंफर्मेशन आते ही स्वास्थ्य केंद्रों में जाकर वैक्सीन लगवानी पड़ती थी, पर अब इसे पूर्णतः खत्म कर दिया गया है। अब लोग सीधे अस्पतालों में पहुंचकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो अपने आप में एक बड़ी पहल की गई है टीकाकरण को लेकर।
दुनिया भर में आज सातवां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जा रहा है। 6 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की अपील की थी। देखते ही देखते दुनिया के तमाम देश इस मुहिम में शामिल हो गए। न्यूयॉर्क में भी योगा दिवस का क्रेज देखा गया। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में योगा डे पर इवेंट चला। इसमें करीब 3,000 लोग शामिल हुए। कोरोना महामारी के बीच खुद को फिट रखने के लिए लोग बाहर निकले और सामूहिक तौर पर योगा किया। तो न्यूयॉर्क से इस वक्त आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां आज लोगों ने योगा दिवस के मौके पर योग किया है। आपको बता दें कि टाइम्स स्क्वायर पर 3,000 लोगों ने पहुंचकर एक साथ योगा किया। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए योग का अभ्यास किया है। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।